नागदा में विधायक ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें सुपर विधायक ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर भ्रष्टाचार हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। बीती शाम नागदा के विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने सभी सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर त्रैमासिक समीक्षा बैठक ली और साथ ही निर्देश भी दिए गए कि अगर विभागों में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ तो बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। बैठक में विधायक गुर्जर के साथ SDM RP वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। जवाबदारी है CSR के माध्यम से उनको ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करना चाहिए, अभी उनको शहरी क्षेत्रों में ही काम कर रहा है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपम्पों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराई जाए। ये त्रैमासिक समीक्षा बैठक थी जिसमें नियमानुसार प्रति 3 माह में विधायक महोदय को सभी विभागों की समीक्षा करनी चाहिए, तो विधायक महोदय के पत्र पर हमने सभी विभागों को यहाँ बुलाया था और सारे विभागों से अपने अपने विभागों की जानकारी अपडेट मांगी, तो आपके सामने पूरी मीटिंग हुई है जिसमें हमने मुख्य रूप से PWD, हमारा PIU, हमारे प्रधानमंत्री सड़क, कृषि विभाग, हार्टिकल्चर, खाद बीज की उपलब्धता, किसान ऋण माफी योजना के संबंधित अधिकारी जिसमें कोऑपरेटिव बैंक और उनके जिला अधिकारी भी थे और सारे हमारे सेल्समैन आदि भी थे, तो इन सारी चीज़ों की समीक्षा करना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि आज की स्थिति में बारिश हो गई है, किसानों को निश्चित रूप से खाद बीज की ज़रूरत पड़ेगी, किसान ऋण माफी के अंतर्गत उनको राशि का उल्टा पलटी करके वापस लोन और खाद भी लेना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी कि हमारी बात और शासन की बात नीचे तक पहुँचे। इसी तरह हर विभाग को शासन ने जो टारगेट दिए हैं उन टारगेट पर वो खरे उतरें और पूरी तरह अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, इसलिए ये मीटिंग बुलाना बहुत ज़रूरी था। इसमें सारे विभागों से चर्चा हुई, रेवेन्यू विभाग से संबंधित बातें भी आई थी कि कुछ अतिक्रमण है, पेड़ कटाई है, तो हमने सख्ती से इसको रोकने के निर्देश हमारे अधीनस्थ अमले को दिए और माननीय विधायक महोदय को आश्वस्त किया कि सारे विभागों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं हम उसका फील्ड लेवल पर क्रियान्वयन कराएंगे और यदि कोई उनको जनप्रतिनिधियों को अथवा मीडिया को कोई भी सूचना मिलती है आप हमारे नॉलेज में लाएँ, क्योंकि हम सबका उद्देश्य एक ही है कि हम जनता के अच्छे के लिए, भलाई के लिए नियमानुसार कार्य करें और उनको लाभान्वित करें, कोई हितग्राही हमारा लाभ से वंचित नहीं हो, परंतु यह भी हमारी जिम्मेदारी कोई अपात्र व्यक्ति लाभ प्राप्त न करे, इसलिए सारी समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी जिसमें मेरे खाजरोद के SDM साहब, मेरे यहाँ के तहसीलदार साहब अनिरुद्ध जी और वहाँ के तहसीलदार साहब, हमारा पूरा राज्य संभला और सारे विभागों के समस्त अधिकारी मौजूद।